दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे. दिस इज द उमानंद टेम्पल. या दिस इज द टेम्पल. टिकट का प्राइस यू वोंट बिलीव, सिर्फ 2.5 रुपए. वो जो सामने रेड कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, सिटी में रोपवे, ये एक्सपीरियंस आप में से अब तक किस किस ने किया है? मैंने तो कभी नहीं किया है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. दिस इज़ गुवाहाटी रोपवे स्टेशन, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से 1.8 किलोमीटर का रोपवे लाइन बनाया हुआ है. और देखिए, एक रोपवे आ भी रहा है. और ये जो आइलैंड सामने आपको दिख रहा है, दैट इज़ उमानंद आइलैंड. रोपवे जनरली हिल स्टेशंस ये सब जगह में मैंने किया है, बट सिटी में रोपवे का दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस. सो टिकट्स हमने ऑलरेडी ले लिया है. हम साउथ बैंक से चल रहे हैं और टिकट का प्राइस है 60 रुपीज़. मतलब साउथ बैंक से हम नॉर्थ बैंक जा रहे हैं, इसके लिए 60 रुपीज़. वापस आने का टिकट फिर से वहाँ से लेना पड़ेगा. एंड एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना भूल गई, मतलब मुझे खुद भी नहीं पता था. This is India's longest river ropeway. So this is the waiting lounge. हम अभी waiting lounge में wait कर रहे हैं. Ticket दिखा के, security check-in करके हम अंदर आ चुके हैं और अभी waiting lounge में wait कर रहे हैं. जब भी कोई रोपवे आएगा, फिर एक लॉट उस रोपवे में नॉर्थ बैंक तक जा सकता है. और ये जो सामने लिफ्ट दिख रहा है आपको, इसी लिफ्ट से ही ऊपर रोपवे टर्मिनल तक जाना पड़ेगा. सो फाइनली रोपवे में चढ़ चुके हैं एंड इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. तो नीचे का व्यू देखिए, थोड़ा पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से. वाओ, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, क्योंकि एक रोपवे में 25 पीपल आर अलाउड. तो समझ सकते हैं, वो जो सामने दिख रहा है आपको, दैट इज़ द बोट स्टेशन. ये बोट डायरेक्टली उमानंद टेम्पल तक जाते हैं. तो ये आ गया वो आइलैंड, जो आइलैंड में आपको वो रोपवे स्टेशन से दिखा रही थी, यही वो आइलैंड है जहाँ पे उमानंद टेम्पल है. और नीचे आप ये बोट्स देख रहे थे जो वहाँ से एकदम छोटा छोटा दिख रहा था. सो दिस इज़ द बोट. ये बोट वो बोट स्टेशन से छूटती है जो यहाँ आके उमानंद आइलैंड में पहुँचा देती है. दिस इज़ द उमानंद टेम्पल. या दिस इज़ द टेम्पल. वाओ, तो ये आइलैंड क्रॉस करके हम आगे जा रहे हैं टूवर्ड्स नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. सामने देखिए, एक आइलैंड जैसा लग रहा है. पानी सूख गया होगा शायद, लेकिन यहाँ से देख के आइलैंड जैसा ही लग रहा है. एक रिवर बेड काइंड ऑफ लग रहा है. बट दिस इज़ ह्यूज, रियली ह्यूज. तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं नॉर्थ बैंक रोपवे टर्मिनल के नीचे. एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरा देखिए आप गुवाहाटी सिटी दिख रहा है. और ये उमानंद टेम्पल का जो आइलैंड है, वो भी यहाँ से दिख रहा है. बट मुझे लग रहा है साउथ बैंक से ही उमानंद टेम्पल का जो आइलैंड है, वो बहुत क्लियर विजन था उसका. यहाँ से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट गुवाहाटी सिटी बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है. ये जो रेड कलर का बिल्डिंग दिख रहा है आपको, ये है नॉर्थ बैंक का रोपवे टर्मिनल. तो वहाँ से सीधा नीचे आके यहाँ पे एक रास्ता मिला, यही रास्ता डायरेक्टली नॉर्थ बैंक मतलब ब्रह्मपुत्र घाट तक जाता है. तो जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आगे. तो चलिए,
तो हम पहुंच गए हैं ब्रह्मपुत्र के घाट में और यहाँ पे एक मंदिर है विच इज़ ढोल गोविंदो मंदिर। वो मंदिर में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको स्कूटर मिल जाएगा रेंट में, जिसका रेंट यहाँ पे 350 बता रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ेगा, शायद वो 250 या फिर 300 में मिल जाएगा। एक घंटा 300 रुपीज़ में आप जा सकते हैं, नहीं तो मंदिर तक जाने के लिए आपको ऑटो भी मिलेंगे, वो ऑटो से भी आप जा सकते हैं। सो दिस इज़ द बोट स्टेशन। तो अभी तो हम आए थे ये रोपवे में, रोपवे अभी हालांकि अच्छा हाँ यहाँ पे तो देखिए ये रोपवे में आए थे साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक, और अभी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करने के लिए हम जाएंगे नाव में। तो चलिए, अभी नाव का टाइम थोड़ा मतलब लेट से ही है, लेकिन फिर भी वेट करेंगे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करने के लिए। तो चलिए, ये है सामने जो मैंने आपको दिखाया, दिस इज़ द बोट स्टेशन, जो कि मैं वहाँ साउथ बैंक से बता रही थी, ये नॉर्थ बैंक का बोट स्टेशन है और यहाँ से हम जाएंगे साउथ बैंक की तरफ। तो चलिए, तो हम बोट स्टेशन पहुँच गए हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द बोट। टिकट भी मैंने ले लिया है, टिकट का प्राइस यू वोंट बिलीव, सिर्फ 2.5 रुपये। तो चलिए बोट के लिए वेट करते हैं, फिर हम साउथ बैंक तक बोट में जाएंगे। और ये जो बोट आ रहा है सामने, यही बोट में हम लौटेंगे। काफी बड़ा बोट है यार ये तो। तो ये सामने दिख रहा है आपको स्टेशन, बोट स्टेशन साउथ बैंक का। तो अल्टीमेटली पहुंच चुके हैं, भीड़ इतना ज़्यादा था, ऑलमोस्ट एक बाइक मेरे पैर के ऊपर से जा रहा था। तो फाइनली पहुंच चुके हैं जेटी क्रॉस करके। तो अभी हम जा रहे हैं साउथ बैंक रोपवे स्टेशन तक। तो अगर आपको रोपवे एंड बोट ये दोनों का एक्सपीरियंस करना है तो फिर आपको गुवाहाटी रोपवे स्टेशन में आना पड़ेगा। यहाँ से आप रोपवे लीजिए, जिसका टिकट मैंने बता दिया 60 रुपीज़ करके है, और वहाँ से आप नॉर्थ बैंक जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, फिर वापस आइए बोट में। बोट पे वापस आके जहाँ पे आप चढ़ेंगे वहाँ से लेफ़्ट साइड आपको जाना है, एंड देयर इज़ अ फूट वे एंड इट्स ओनली 900 मीटर टू द साउथ बैंक रोपवे स्टेशन। अगर आप गाड़ी में आते हैं या फिर बाइक में आते हैं तो आप पार्किंग उधर कर सकते हैं, मतलब रोपवे स्टेशन, गुवाहाटी रोपवे स्टेशन में। तो हमें मतलब 900 मीटर्स ही वॉक करके जा रहे हैं। तो मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ जहाँ से जर्नी स्टार्ट किया था वहाँ पे, और यहाँ टिकट्स मिलता है शाम को 4 बजे तक, और दोपहर में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का एक लंच ब्रेक रहता है, उस टाइम आपको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन शाम को 4 बजे तक टिकट मिलता है। बट दिस इज़ अगेन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द डे लाइट। तो विंटर के वजह से चार बजे के बदले में 3:45 तक ये टिकट्स अवेलेबल मिलती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब रोपवे का एक्सपीरियंस, बोट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। तो सोल को तो फुलफ़िल करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा भी और आपका भी, लेकिन बेली का क्या करे। तो चलिए, अभी बेली को फुलफ़िल करने का टाइम है।
एंड आई एम अ बिग टाइम फूड कलर वर्ड. क्या फुचका कितना करके? 10 का 5. फुचका के बारे में अलग से मैं कुछ नहीं बोल सकती, बहुत अच्छा है, दिल खुश हो गया फुचका खा के. और ये जो स्ट्रीट फूड स्टॉल्स आपने देखा, ये कॉटन कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट है और यहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड मिलता है एंड दिस इज़ अ वेरी फेमस प्लेस इन गुवाहाटी फॉर स्ट्रीट फूड. मोमो, पिज़्ज़ा, पास्ता, पापड़ी चाट, फुचका, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर. तो आइए, गुवाहाटी आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आके खाइए, अच्छा लगेगा.